गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक, इन एग्जाम्स में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। एक्चुअल में वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस उसकी ट्रिक मालूम होना जरूरी है और 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकल जाएगा। आज उसी ट्रिक के साथ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से केवल 2 सेकंड के अंदर कैसे निकाल देंगे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बैंक में, एसएससी में और रेलवे के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। एलजेब्रा का ये क्वेश्चन है जो कि जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, तो उस ट्रिक को हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे रिलेटेड हम जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें जो ट्रिक यूज होगी वो ही हमारी इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगी और ऐसे कई बड़े क्वेश्चनों में यूज होगी, ठीक है। जैसे कि हमने लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू ले लिया हमने, ठीक। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो इसमें ट्रिक का यूज करूंगा, पहले मैं तरीका बता दूंगा वो ट्रिक निकल के कैसे आती है। देखिए मैं इस वाली इक्वेशन को लेता हूं, पहली इक्वेशन को दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स वन हो गया इज इक्वल टू फोर। टू का स्क्वायर कितना है, यहां लिख देता हूं मैं, टू का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगी आपकी टू स्क्वायर माइनस टू, ठीक। ये वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उसको मैं, ठीक। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, अंडर रूट तो लगा रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ए भी वन हो जाएगा हमारा, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू स्क्वायर माइनस टू आई है, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी टू स्क्वायर माइनस टू। ऑलरेडी कितना था, माइनस टू, कितना हो गया, अंडर रूट में टू स्क्वायर माइनस फोर। ये आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा, दो दूनी चार माइनस चार जीरो, ठीक। ये ट्रिक क्या लगी इसमें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या ट्रिक लगानी है, अंडर रूट में जो गिवन हो ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस टू, फिर माइनस टू और करना है इसमें आपको, ठीक है। ये ट्रिक आपको इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि उसका मेथड मैं बता चुका हूं कि क्यों आता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, वहां से ये टू भी बचता है इसमें, ठीक है, इसलिए माइनस टू हम यहां करते हैं इसमें। अब ये सेम ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस टू और माइनस टू और करना है हमको, ठीक। तो ये आ जाएगा फोर स्क्वायर माइनस फोर दैट इज सिक्सटीन माइनस फोर दैट इज योर ट्वेल्व आंसर, ठीक। तो ये तो रही ट्रिक आपकी इस तरह के क्वेश्चन की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ट्रिक यही रहेगी या फिर कुछ चेंज हो सकता है उसमें क्वेश्चन में, तो आप कुछ तो उसमें सोचना पड़ेगा कि क्या लगाएं उसमें हम, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक्स की पावर 64 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 64 इज इक्वल टू 8, यू हैव टू फाइंड एक्स की पावर 64 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 64। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो और ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें अभी तक मैं शॉर्ट ट्रिक देता आ रहा था, लेकिन अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो शॉर्ट ट्रिक यूज होती है उसका भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।